दोस्तों, डिप्रेशन आज बहुत सारे लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। लोग छोटी छोटी वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से बचने में योग आपकी मदद कर सकता है। जब व्यक्ति किसी वजह से अत्यधिक तनाव लेने लगता है, तब वह डिप्रेशन में चला जाता है और अधिकांश लोगों को इसका पता भी नहीं चलता है। पर्याप्त नींद लेना और टेंशन न लेकर भी डिप्रेशन से बचा जा सकता है। डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक विकार जो मन को दुखी करने वाली भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसे किसी व्यक्ति की प्रतिदिन की गतिविधियों, कार्यों में हस्तक्षेप करने वाली उदासी, निराशा या क्रोध की भावनाओं के रूप में समझा जा सकता है। अवसाद डिप्रेशन महसूस करने की क्षमता, सोच और व्यवहार आदि को प्रभावित करता है और विभिन्न मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन की सामान्य गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। अवसाद को दूर करने के लिए लंबे समय तक उपचार की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन डिप्रेशन की समस्या से पीड़ित लोग योग की सहायता से बेहतर महसूस कर सकते हैं। डिप्रेशन के लक्षण, उदासी, खालीपन या निराशा की भावनाएं डिप्रेशन को जन्म देती है। छोटे मामलों पर गुस्से, चिड़चिड़ाहट या निराशा, संभोग, शौक या खेल जैसे अधिकांश या सभी सामान्य गतिविधियों में रुचि या खुशी का ना होना, नींद में परेशानी, अनिद्रा या बहुत ज्यादा सोना, थकान आना और ऊर्जा की कमी, चिंता या बेचैनी उत्पन्न होना, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी आना, अयोग्यता की भावना या अपराध की भावनाएं व्याप्त होना, सोचने, ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने और चीजों को याद रखने में परेशानी होना, मौत, आत्मघाती विचार या आत्महत्या के बारे में बार बार विचार आना, शारीरिक समस्याएं जैसे पीठ दर्द या सिर दर्द होना आदि लक्षण अवसाद के कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन के कारण, न्यूरोसर्किट्स के कार्य में परिवर्तन होना, शरीर के हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन या संतुलन बिगड़ना, दिमाग का फ्रंटल लोब कम सक्रिय होना, पुरानी बीमारी, अनिद्रा या पुराना दर्द होना, दवाओं और शराब का अत्यधिक सेवन करना, आत्मसम्मान की आलोचना होना, व्यक्तिगत मानसिक बीमारी का होना, कुछ दवाएं भी अवसाद का कारण बन सकती हैं। योग फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अवसाद के नियंत्रण में योग की भूमिका को विस्तार से जानते हैं। डिप्रेशन के लिए योगासन में करें बालासन योग। बालासन योगासन बहुत ही सरल योग है। इसे करने वाला व्यक्ति एक छोटे बच्चे के समान दिखाई देता है। बालासन आपके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है और तनाव और चिंता से छुटकारा दिलाता है। इस योग को करते समय आप गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करते हैं, जो मानसिक और भावनात्मक राहत दिलाने में सहायक होता है। बालासन योग को करने के लिए आप एक योगा मैट को बिछा के उस पर वज्रासन में या घुटने टेक के बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपने सिर को झुकाते जाएं और जमीन पर सिर को रखें। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधे करके फर्श पर रखें। इस आसन में आप कम से कम 2 से 3 मिनट रहने का प्रयास करें। डिप्रेशन के लिए योग में करें कोबरा पोज। कोबरा पोज योग तनाव को कम करके डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है। भुजंगासन योग करने से शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे मन भी ठीक रहता है और उसे चिड़चिड़ापन या गुस्सा बहुत कम आता है। कोबरा पोज को करने लिए आप एक योगा मैट को बिछा के उस पर पेट के बल लेट जाएं, जिसमें आपकी पीठ ऊपर की ओर रहे। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब अपने दोनों हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे अपने सिर को पीछे की ओर करें और ठुड्डी को ऊपर की ओर करने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि आपके कमर से नीचे का शरीर जमीन से ऊपर ना उठे। आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। एजी पोज योग फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। एजी पोज को सुखासन योग के नाम से भी जाना जाता है। सुखासन योग के लाभ आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम दिलाने में मदद करते हैं। यदि आप मानसिक थकान और तनाव से ग्रसित हैं, तो सुखासन एक अच्छा उपाय है, क्योंकि यह न केवल आपके मन शांत करता है, बल्कि स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करता है। सुखासन योग को करने के लिए आप एक योगा मैट को जमीन पर बिछा के बैठ जाएं। अपने पैरों के यहाँ से मोड़ लें, एक पैर बाहर की ओर तथा दूसरा पैर अंदर की ओर रहता है। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और दोनों हाथों को सीधा करके अपने घुटनों पर रखें। आंखों को बंद करके ध्यान करें। इस आसन में आप अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। डिप्रेशन के लिए सेतु बंधासन योग।
सेतु बंधासन योग का प्रतिदिन और सही तरीके से अभ्यास करने से डिप्रेशन, स्ट्रेस और चिंता दूर हो जाती है और व्यक्ति का मस्तिष्क शांत रहता है। मन को शांत रखने के लिए सेतु बंधासन काफी लोकप्रिय आसन माना जाता है। माइग्रेन की समस्या को दूर करने में भी यह आसन बहुत सहायक होता है। सेतु बंधासन को करने के लिए आप एक योगा मैट को बिछा के पीठ के बल यानी सीधे लेट जाएं। इसके बाद अपने पैरों को घुटनों के यहाँ से मोड़ें और दोनों पैरों पर वजन डालते हुए अपने कूल्हों को फर्श से ऊपर उठाएं। अपने दोनों हाथों को पीठ के नीचे ले आएं और उंगली को उंगली में फंसा के दोनों को आपस में जोड़ लें। इस स्थिति में रहते हुए 20 बार सांस लें और आसन को छोड़ें। अवसाद के लिए योग में करें हलासन। नियमित रूप से प्रतिदिन हलासन योग को करने से व्यक्ति को तंत्रिका तंत्र से संबंधित दिक्कत नहीं होती है और इसकी वजह से व्यक्ति को तनाव और थकान की समस्या भी कम होती है। यह आसन महिलाओं में मेनोपॉज के लक्षणों से भी राहत प्रदान करता है। अवसाद डिप्रेशन में हलासन योग को करने के लिए सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं। अपने पैरों को फर्श से ऊपर उठाएं और पैरों को सिर के ऊपर से ले जाते हुए 180 डिग्री के कोण पर मोड़ें जब तक कि आपके पैरों की उंगलियां फर्श से नहीं छू जाती हैं। आपकी पीठ फर्श पर लंबवत होनी चाहिए। इस मुद्रा में होने में शुरू में आपको मुश्किल जरूर होगी, लेकिन थोड़े प्रयत्न के बाद आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको अपने गर्दन पर दबाव नहीं डालना है, न ही इसे जमीन की ओर धक्का देना है। अधोमुख श्वानासन योग के फायदे डिप्रेशन में। अधोमुख श्वानासन योग करने से दिमाग शांत रहता है और हर तरह की चिंता से मुक्ति मिलती है। इस योग को करने से गर्दन और गर्दन की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण मस्तिष्क से चिंता दूर हो जाती है और डिप्रेशन से राहत मिलती है। आप अधोमुख श्वानासन योग करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और उसके बाद दोनों हाथों को आगे करते हुए नीचे जमीन पर हाथ रखें। इस दौरान आपके घुटने और रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। श्वास छोड़ें और अपने घुटनों को अधोमुख श्वानासन मुद्रा के लिए हल्का सा धनुष के आकार में मोड़ें और एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं। अब आप पूरी तरह अधोमुख श्वानासन मुद्रा में हैं। डिप्रेशन के लिए योग उत्तानासन। उत्तानासन आपके मानसिक तनाव को कम करने और डिप्रेशन से बचने के लिए अच्छा योग है। वैसे तो सभी योग अपने तनाव को कम करने में मदद करते हैं। यह आपके शरीर की थकान को खत्म करता है और अवसाद को कम करके मन को शांति प्रदान करता है। उत्तानासन करने के लिए आप सबसे पहले एक योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों को पास पास रखें और अपने दोनों हाथों को ऊपर सीधा कर लें। अब धीरे धीरे सामने को और कमर से नीचे झुकते जाएं और अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को छूने की कोशिश करें। इस आसन में आप 60 से 90 सेकंड के लिए रहें, फिर आसन से बाहर आएं। शवासन योग शरीर को गहरे मेडिटेशन मुद्रा में लाता है, जो ऊतकों एवं कोशिकाओं की मरम्मत करता है और मस्तिष्क से स्ट्रेस को बाहर निकालता है। इस योग आसन को करने के लिए आप एक योगा मैट को फर्श पर बिछा के उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों और हाथों को सीधा रखें। अब अपने दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। अपने दोनों हाथों को शरीर से 40 डिग्री पर रखें और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। शवासन में आप अपनी क्षमता के अनुसार रह सकते हैं। शवासन मुद्रा का अर्थ सोना नहीं है, बस आपको आंखें बंद रखना है।